हेलो दोस्तों, मैं हूँ बालानाथ गोस्वामी और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस चैनल पर। मैं यहाँ पर राइनो फाय के बारे में आप लोगों को बताता हूँ और उसमें कैसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं। ये मेरा डे वन पार्ट टू है और डे वन पार्ट वन में मैंने कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में आप लोगों को बताया था, जो कि मैं फिर से एक बार रिवीजन करने जा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमने देखा कि कुछ टूल्स, जो कि मैं वीडियो फर्स्ट में बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई नई फाइल ओपन करने के लिए हम ओपन में जाते हैं और वहाँ पर जो ओल्ड बनी हुई फाइल है उसे हम ओपन कर पाते हैं, और जो न्यू होता है वो न्यू क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ डिज़ाइन बनाने के बाद हम उसे करते हैं सेव। उसके लिए हम लोग कंट्रोल एस दबा सकते हैं और हम उसके अंदर उस फाइल का जो भी हमें नाम देना है वो नाम हम दे सकते हैं। जैसे इस फाइल का नाम है Day 01। उसके बाद हम लोग कट करेंगे। प्रिंट और डॉक्यूमेंट, ये दोनों भी कमांड हम यूज़ नहीं करते हैं राइनो फाइ में। कट हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा, जैसे कि और सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, सेम उसी तरीके से वही सेम तरीका है। कॉपी भी वैसा ही है और उसे हम पेस्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होंगी, अंडू रिडू भी दूसरे बाकी सॉफ्टवेयर में होते हैं, वो भी आपको पता होगा। अंडू रिडू जो कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आप प्लीज़ ऑडियो ऑन रखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंडू रिडू के बाद रोटेट व्यू, इसमें हम टॉप फ्रंट और राइट व्यू को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि प्रोस्पेक्टिव व्यू रोटेट होता है, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, मैंने कमांड लेकर टॉप व्यू को रोटेट कर दिया। उसके बाद आएगा और उसे हम सही करने के लिए फोर व्यू पे मैंने सिंपल क्लिक किया। सिंपल क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक। अब हम लोग आ गए नए कमांड पे, जूम सिलेक्टेड। जूम जो भी ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रीन पर बना होगा उसे हम अगर पर्टिकुलर कर्व या सरफेस को हम सिलेक्ट करेंगे और उसे जूम करना चाहेंगे तो हम लोग जूम सिलेक्टेड कमांड से उसे जूम कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। ये टॉप व्यू में स्क्रीन को हम लोग थोड़ा सा क्लियरली देख पा रहे हैं अभी। और ये रहा फोर व्यू पॉट, इसमें हम फोर व्यू को देख पाते हैं, टॉप फ्रंट राइट और पर्सपेक्टिव। ये सब सारी चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, फिर से हम ये रिवीजन कर रहे हैं एक बार फिर से। तो आप अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके बाद आ गया सेट व्यूपॉर्ट। सेट व्यूपॉर्ट में हमारे पास, हम देख रहे हैं स्क्रीन पे चार व्यू होते हैं, टॉप फ्रंट राइट और प्रोस्पेक्टिव। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनके अपोजिट में बैक साइड में भी आप कुछ व्यूज़ हैं, टॉप का बॉटम फ्रंट का बैक। बैक कमांड पे मैंने क्लिक किया तो बैक कमांड भी है और राइट का, राइट के लिए लेफ्ट भी है। तो देखिए कहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लेफ्ट कमांड, लेफ़्ट व्यू भी हमारे सामने आ चुका है। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इन हिडन कमांड्स को, हिडन व्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे, माफ़ कीजिए। अब हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में, जैसे हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग कुछ नए कमांड्स सीखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट्स में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि हम लोग टोटल मिला के 7 व्यूज़ हैं, 7 व्यू
आप देख सकते हैं टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट लेफ्ट प्रोस्पेक्टिव व्यूज। मैं नोट्स में मैं लिख रहा हूँ व्यू 7 व्यूज। और ये नए कमांड्स है हाइड एंड शो। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करिए और सिंपल क्लिक करिए और लेफ्ट क्लिक करिए कमांड्स पे, तो आपका ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। सिंपल क्लिक किया मैंने और ये हाइड हो गया। और फिर से मैं एक बार लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हाइड हो जा रहा है। और मैं इसे शो करने के लिए सेम कमांड के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट फिर से मुझे शो हो चुके हैं। सेम इसी तरह से हमें लॉक कमांड भी यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, यही चीज़ हमें प्रोस्पेक्टिव में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट किया और उसे सिंपल क्लिक से लॉक कर दिया। सिंपल क्लिक मीन्स लेफ्ट क्लिक, लाइक सेम जैसे हमने हाइड और शो को यूज़ किया वैसे ही हम लॉक और अनलॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप व्यू। अभी हम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, हाउ टू प्लेस बैकग्राउंड बिट मैप। सबसे पहले हमें एक अच्छी सी पिक्चर लेनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई आसान सी डिज़ाइन ले रहे हैं जो कि मुझे बनाने में कम से कम टाइम लगे और मैं आप लोगों को कुछ कमांड्स उसके अंदर बता पाऊँ। तो ये मैंने व्यू में जाकर बैकग्राउंड बिट मैप से एक इमेज ले लिया, ओपन कर लिया और मैं इसकी लेंथ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लाइनियर डायमेंशन। इसकी हेल्प से मैं लेंथ चेक करता हूँ। अभी एट प्रेजेंट इसका 33.7 mm लेंथ है, मुझे इसे 20 mm करना है। तो मैं बैकग्राउंड बिट मैप में जाऊँगा, व्यू में जाऊँगा, बैकग्राउंड बिट मैप में जाऊँगा और स्केल कमांड लेकर इसे मैंने स्केल करके छोटा कर दिया। अब मैंने इसको 20 mm कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 20 mm का हो चुका है। अब मैं इसे मूव कमांड से सेंटर में ले लूँगा और उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, वैसे ही जैसे मैंने बैकग्राउंड बिट मैप स्केल किया था। ये मैं BAC टाइप करके ग्रे स्केल और फिल्टर कर रहा हूँ। इससे हमारी इमेज बहुत क्लियर हो चुकी है और इसमें कलर्स भी आ चुके हैं। और मैंने कंट्रोल एस दबाया और फाइल सेव हो गई है। कंट्रोल एस से भी हम सेव कर सकते हैं और सेव कमांड स्टैंडर्ड टूल बार में थर्ड नंबर पर भी दिया हुआ है। अब मैं ये ट्रेसिंग करने जा रहा हूँ कंट्रोल पॉइंट कर्व की हेल्प से। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप देखिए। नंबर 1 पे कंट्रोल पॉइंट कर्व है और ये मैं ट्रेसिंग भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। एक साइड का मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसे हम रफ़ ट्रेसिंग बोल सकते हैं क्योंकि इसे हमें फाइनल करने के लिए कुछ और कमांड्स की हेल्प की ज़रूरत होगी। उसमें एडिट पॉइंट्स ऑन कमांड का नाम है, उसे यूज़ करना पड़ेगा। रिबिल्ड कमांड, मूव, इनकी हेल्प से मैं इसे कर पाऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ट्रेसिंग कर दी है जिसे मैं रफ़ ट्रेसिंग कह रहा हूँ। मैंने उसे सिलेक्ट करूँगा और मैं इसे रिबिल्ड कमांड की हेल्प से, रिबिल्ड कमांड ये रहा रिबिल्ड कमांड, और इसमें एट प्रेजेंट 9 and 3 डिग्री हैं, पॉइंट्स 9 है। मैंने इसे 12 कर दूँगा और नीचे 2 रहने दूँगा और प्रीव्यू कर इसे चेक करूँगा कि कर्व पहले से बेहतर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पहले से बेहतर नहीं हुआ है तो हमें पॉइंट्स कम या ज़्यादा करने हैं। फ़िलहाल ये अच्छा लग रहा है और जितना भी अच्छा होने के बाद उसे हम एडिट पॉइंट कर्व को एडिट पॉइंट्स से पॉइंट्स ऑन करने और मूव कमांड से पॉइंट्स को मूव करना है और उसे बेहतर बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये हो रहा है। इस तरीके से मैं इसके शेप को जितना भी बेहतर है हो सके उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये कव अच्छे से हो चुका है। सेकंड कव पे मैं आया हूँ। सेकंड कव को मैं सिलेक्ट करके उसके पॉइंट्स ऑन करूँगा, और पॉइंट्स ऑन करके उसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मूव कमांड की हेल्प से मैंने उसे मूव कर रहा हूँ। फिर से मैं इसे उसी तरह से शेप में ला रहा हूँ, और दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया है, और रिबिल्ड कमांड से दोनों के पॉइंट सेम लेवल पे कर रहा हूँ। 14 दोनों में अभी 14 पॉइंट्स हैं, और ये कर्व पहले से बहुत बेटर हो चुका है। अब ये सेम चीज़ हमें दूसरे दो कर्व में भी करना है, और ये मैंने सब जितना भी किया है कंट्रोल पॉइंट्स, एडिट पॉइंट्स, रिबिल्ड कमांड, मूव कमांड और आर्क ब्लेंड के हेल्प से कर रहा हूँ। अब मैं आर्क ब्लेंड आपको एक बार यूज़ कर दिखाता हूँ। इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैं राउंडिश शेप में कर रख रहा हूँ। फर्स्ट क्लिक फर्स्ट कर्व, सेकंड क्लिक सेकंड कर्व एंड राइट क्लिक। सेम तरीके से मैंने सारे के सारे आर्क बना दिए। इसे हम आर्क कहेंगे जो मुझे आर्क ब्लेंड से मिला है। फिलहाल ये मैंने दिखाने के लिए आपको बताया था। इसको पहले हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर हम करेंगे एडिट पॉइंट से, रिबिल कमांड से, और ये मैंने रिबिल कमांड ले लिया, उसमें मैंने पॉइंट्स बढ़ा दिए 18 पॉइंट्स लेकर। मैं अभी सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मूव कमांड की हेल्प से इसे ठीक करूँगा, और इसके शेप को मैं चेक करूँगा कि ये कैसा लग रहा है। जब तक ये ठीक ना लगे तब तक इसे मूव करते रहिए। जो ट्रेसिंग था उसे हम रफ ट्रेसिंग कहेंगे। उसके बाद हमें उसे ऐसे एडिट करना पड़ता है, तभी हमें अच्छा शेप मिल पाएगा डिज़ाइन का। ये भी एक स्किल का काम है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। ये मैंने बैकग्राउंड को एक बार हाइड कर दिया है। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक 2D डिज़ाइन रेडी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे बाकी हैं। ये आर्क ब्लेंड मैंने किया, ऊपर के सर्कल्स भी डालने बाकी हैं, जो कि मैं आर्क ब्लेंड यूज़ करने के बाद में यूज़ करूँगा। और मैंने पूरे कर्व को सिलेक्ट किया और इसे जॉइंट करने जा रहा हूँ। जॉइंट कमांड हमारे सामने है, ये रहा जॉइंट पॉइंट, जॉइंट कमांड। सारे के सारे कर्व जॉइंट हो चुके हैं। व्यू बैकग्राउंड बिटमैप शो, बैकग्राउंड में फिर से इमेज आ चुकी है। अब मैं सर्कल कमांड के हेल्प से एक सर्कल क्रिएट करूँगा। सर्कल डायमीटर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सर्कल डायमीटर, सर्कल डायमीटर में आर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सर्कल डायमीटर मैंने लिया हुआ है, और उसकी हेल्प से मैंने डायमंड क्रिएट किया है। और इस डायमंड को मैंने सिलेक्ट करके, ये एक कर्व है जो कि जिसे हम डायमंड के लिए यूज़ करेंगे, और इसे मैं रोटेट कमांड की हेल्प से कॉपी करके चारों तरफ प्लेस करने जा रहा हूँ। और ये मैंने चारों सर्कल बना दिए रोटेट कमांड की हेल्प से। नोट्स में मैंने रोटेट कमांड नहीं लिखा है, जो कि मैं अभी लिख दूँगा। बैकग्राउंड मैंने हाइड किया, आपके सामने 2D रेडी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक कमांड नहीं लिखा है, जो कि मैं अभी लिख दूंगा, एडिट पॉइंट्स, रिबिल्ड कमांड, मूव कमांड, सर्कल कमांड, सर्कल डायमीटर, ऑफसेट कर्व और आर्क ब्लेंड। ये सारे के सारे कमांड हमने आज सीखे हैं। और ये 9th नंबर पे हम एक और कमांड का नाम लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोटेड 2D। ये प्रोस्पेक्टिव में मैं इसे घुमाकर आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू।